Hello everyone, welcome again on my YouTube channel Creative and Info Hub. This is Manisha Meena, your friend and your guider. In this video, I'm going to share social science lesson plan especially for my Hindi medium students. So yes friends, इसी तरीके के और भी हिंदी मीडियम में लेसन प्लान्स मेरे चैनल पे मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराती हूँ, ना केवल हिंदी मीडियम में बल्कि इंग्लिश मीडियम में भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर. सो आई होप वो सारी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी. सो बेसिकली अगर शॉर्ट में बोलूँ तो यदि आप टीचर ट्रेनी हैं और फ्यूचर टीचर हैं तो मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है. तो मेक श्योर कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरी वीडियोस को देखते रहें. सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पाठ योजना चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का बना रहे हैं, सबसे पहले आप सेंटर ऑफ द पेज, पेज के मध्य में आप लिखेंगे पाठ योजना और फिर लेफ्ट साइड में लिखेंगे छात्र अध्यापिका का नाम, जहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे. उसके नीचे ही आप लिखेंगे विषय, इतिहास, विषय के नीचे आएगा उपविषय या फिर आप लिख सकते हैं प्रकरण. तो आज का हमारा टॉपिक है संघ. सो राइट साइड में हम लिखेंगे कक्षा, दिनांक और अवधि. आज का ये जो हमारा लेसन प्लान है ये हम क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के लिए प्लान कर रहे हैं. ड्यूरेशन हमारी रहेगी 30 मिनट्स की और डेट जो है वो हम ब्लैंक छोड़ते हैं, क्योंकि जिस दिन हम ये लेसन प्लान डिलीवर करेंगे स्कूल में उस दिन का डेट हम एट द टाइम वहाँ पे लिखते हैं. उसके बाद हम नीचे अगर बात करें विशिष्ट उद्देश्य की, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो देखो, जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ा रहे हैं, कोई काम हम कर रहे हैं, तो उसको करने का एक स्पेशल ऑब्जेक्टिव होता है, एक कि हम वो काम क्यों करना चाहते हैं, उससे हमें क्या बेनिफिट होगा उस पर्टिकुलर चीज से. तो वो हमारा विशिष्ट उद्देश्य, स्पेशल ऑब्जेक्टिव हमारा हो जाता है. जैसे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक, विशिष्ट उद्देश्य किस चीज़ का, इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के पीछे हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्यों बच्चों को ये टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं, क्यों हमने सिलेबस में ये दिया है, तो वो हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है. और जो हमारे जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट के होते हैं. जैसे कि हिस्ट्री को पढ़ाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, बच्चों को हमारे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बताना, तो इसी तरीके से वो क्या है, हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है. तो स्पेसिफिक स्पेशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड होता है. तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है संघ, तो देखते हैं इसको पढ़ाने का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहले है विद्यार्थी संघ का अर्थ समझ पाएंगे. सिक्स क्लास के बच्चों को सिक्स क्लास से पहले नहीं पता होता है कि संघ क्या होता है, तो इस पाठ योजना के तहत वो जान पाएंगे कि संघ क्या होता है, कैसे काम करता है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है, इन सब के बारे में बच्चों को जानकारी मिल पाएगी. सेम सेकंड पॉइंट में भी हमने यही लिखा है, विद्यार्थी संघ के पीछे छिपे उद्देश्य को जान पाएंगे. थर्ड, विद्यार्थी संघ के नियम व व्यवस्था से परिचित हो जाएंगे. इसके बाद हम लिखते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि TLM. अब TLM क्या होता है? तो देखो, जब हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाने के लिए जिस मटेरियल का यूज कर रहे हैं, जिसकी हम हेल्प ले रहे हैं, वो हमारा शिक्षण सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM कहलाता है. जैसे कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो रिसोर्सेज का यूज करेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, तो ये हमारे बेसिक TLM होते हैं जो हम सभी क्लासेस में यूज करते हैं. ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, ये तो हम सभी क्लासेस में यूज करते हैं, चाहे आप मैथ्स के टीचर हो, साइंस के टीचर हो, हिंदी के टीचर हो, सभी इसका यूज करते हैं. बट कुछ स्पेसिफिक TLM होते हैं जो सेम, जैसे हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेम ऐसे ही स्पेशल स्पेसिफिक या स्पेशल TLM होते हैं जो पर्टिकुलर टॉपिक से होते हैं. तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है संघ, उससे रिलेटेड हमारा TLM है ईंट व पत्थरों का समूह. और दूसरा क्या है, संघ की तस्वीरें. इसके बाद हम लिखते हैं मेथडोलॉजी यानी कि शिक्षण विधि. टॉपिक को हम किस मेथड के द्वारा पढ़ा रहे हैं, किस मेथड का प्रयोग हम कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं शिक्षण विधि. तो यहाँ पे मैं यूज करूंगी व्याख्या विधि, डिस्कशन मेथड, भाषण विधि, प्रदर्शन विधि,
उसके बाद है शाम पठ विधि। तो ये थी मेथडोलॉजी जिसका हम यूज करेंगे। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हमारा लेसन प्लान। सो फ्रेंड्स, शिक्षण विधि लिखने के बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण। हेडिंग से ही आपको पता चल गया पूर्व ज्ञान यानी कि पहले से प्रीवियस बच्चे को कितनी नॉलेज है, और परीक्षण का मतलब टेस्टिंग। तो प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग हम इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो यस, लेसन प्लान के इस पार्ट में हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट करते हैं कि बच्चे को टॉपिक से रिलेटेड पहले से कितनी नॉलेज है। ऐसा ना हो कि बच्चे को पहले से उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को कुछ नहीं आता और आपने डायरेक्ट एडवांस चीजें उन्हें बता दी, तो उससे क्या होगा, बच्चे उसको समझ नहीं पाएंगे, बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा या वो उसको गलत अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो इसीलिए जरूरी है कि ABCD से स्टार्टिंग हो, यानी कि एकदम बेसिक से बच्चों को समझ में आए चीजें। तो इसके लिए हम एक ऐसे टेबल बनाते हैं, पूरा देख लीजिए प्रॉपर, और उसमें हम 3 क्वेश्चंस बच्चों से पूछते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों का डाउट आएगा कि क्वेश्चंस ही क्यों। जी नहीं, जरूरी नहीं है कि आप क्वेश्चंस ही बच्चों से पूछे, आप और भी मेथड्स हैं उनका भी यूज कर सकते हो। जैसे कि आप पहेली पूछ सकते हो, आप कोई पिक्चर दिखा के बच्चों से उसके बारे में पूछ सकते हो, ठीक है, या आप कोई एक्टिविटी करवा सकते हो, कोई वर्कशीट करवा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आपके साथ एक तरीका शेयर कर रही हूँ कि आप इस टॉपिक को इस तरीके से भी पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो लेसन प्लान मैंने बनाया है आप भी वही सेम एज इट इज बनाए, आप उसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉलम होता है क्रम संख्या का, उसके बाद प्रस्तावित प्रश्न जो टीचर पूछती है, देन संभावित उत्तर, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेक्टेड आंसर्स। एक्सपेक्टेड आंसर, संभावित उत्तर, मतलब कि श्योरिटी नहीं है कि बच्चे यही आंसर करेंगे, बट संभावित है, 50-50 है कि बच्चे यही आंसर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, हमारे विद्यालय की विशेषता क्या है? तो बच्चे आंसर करेंगे, यहाँ सभी मिलजुल कर कार्य करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, क्या आपने किसी समूह या संस्था को देखा है? तो बच्चे आंसर करेंगे, हाँ। देन थर्ड क्वेश्चन, संघ किसे कहते हैं? तो बच्चों को नहीं पता है अभी तक कि संघ क्या होता है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, जिसको हम कनेक्ट करके अब अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करेंगे, जिसको हम हेडिंग देते हैं उप विषय की घोषणा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जैसे कि अभी KVS वगैरह आ रहे हैं तो वहाँ पे डेमो क्लासेस आप लोगों की देखी जाती है कि आप किस तरीके से पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे छोटी छोटी चीजें का आपको ध्यान रखना होता है कि जो आप टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आप वो पहले से ही बच्चों को नहीं बताएंगे। इस स्टेप पे आके आप बच्चों को बताएंगे कि बच्चों आज हम फला फला टॉपिक पढ़ेंगे, उससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होगी कि आज टीचर क्या पढ़ाने वाली है। अगर आप उन्हें पहले ही बता देंगे तो वो जो इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, वो खत्म हो जाएगी और फिर कहीं ना कहीं वो आपकी टीचिंग के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। ओके, सो उप विषय की घोषणा, यहाँ पे हम अपने अनाउंसमेंट करेंगे टॉपिक का कि प्यारे बच्चों आज हम जानेंगे कि संघ क्या होता है और इसका क्या कार्य होता है। अब हमारी जो एक्चुअल क्लास है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, जिसको हम हेडिंग देते हैं प्रस्तुतिकरण। अगेन आपको एक नीट एंड क्लीन टेबल बनानी है, जिसमें पहला आपका होता है क्रम संख्या, दूसरा शिक्षण बिंदु, तीसरा कक्षा कक्ष क्रियाकलाप, इसी कक्षा कक्ष क्रियाकलाप के कॉलम में हम छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया दोनों को ही इंक्लूड कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप जैसे वन साइड रूल एंड वन साइड प्लेन कॉपी यूज कर रहे हैं तो आप प्लेन वाली साइड पे ब्लैक बोर्ड शाम पठ कार्य कर सकते हैं, बट अगर आप दोनों साइड वाली जो लाइन कॉपी आती है अगर आप वो यूज कर रहे हैं तो आपको इसी कॉलम में अपना ब्लैक बोर्ड वर्क करके दिखाना होता है, विच इज कंपल्सरी, आप उसको स्किप नहीं कर सकते। उसके बाद लास्ट कॉलम होता है मूल्यांकन का। तो हमारा सबसे पहला शिक्षण बिंदु जो टीचिंग पॉइंट है वो है संघ की विशेषता, बट आई थिंक आपको इससे पहले बच्चों को बताना चाहिए कि संघ क्या होता है, ठीक है, बट इट्स अप टू यू। देन छात्र अध्यापिका क्रिया में आप सबसे पहले बच्चों को संघ के बारे में बताएंगे कि जो लोग घर का त्याग करके सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए आते थे, ऐसे लोग एक संघ नामक संगठन का निर्माण किया गया।
इसके बाद हम लिखेंगे छात्र क्रिया। विद्यार्थी छात्र अध्यापिका की बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में हम लिखेंगे संघ में कौन कौन लोग शामिल थे। इसके बाद नेक्स्ट शिक्षण बिंदु हमारा है संघ का महत्व। छात्र अध्यापिका क्रिया संघ जातिवाद को मिटाने में एवं जो समाज में भेदभाव थे उसे कम करने में काफी सहायक रहा। छात्र अध्यापिका क्रिया के बाद हम लिखेंगे छात्र क्रिया। छात्र पाठ की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। मूल्यांकन प्रश्न में आप लिख सकते हैं कि संघ किस प्रकार समाज से भेदभाव को मिटाने या कम करने में सहायक है, उदाहरण दो। अब आपने बच्चों को ये तो बता दिया कि संघ हमारे समाज में हो रहे भेदभाव को कम करने के लिए सहायक है, पर कैसे, उसके क्या क्या उदाहरण हैं? हम आए दिन न्यूज़पेपर्स, टीवीज में हम पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं कि क्या क्या समाज में घटित हो रहा है, तो उसके आधार पे बच्चे रिकॉल करेंगे, समझेंगे कि विषय वस्तु क्या है, क्या चीज पूछी जा रही है, उसके आधार पे वो अपने दिमाग पे जोर डालेंगे और फिर उदाहरण बताएंगे इस चीज का। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टीचिंग पॉइंट है वो है संघ के नियम व व्यवस्था। छात्र अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका संघ के नियम व व्यवस्था के बारे में बच्चों को बताती है एवं बच्चों से पूछती है कि संघ ने क्या क्या कार्य किए हैं। इसके बाद लिखेंगे छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका को ध्यान से सुनेंगे व उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। मूल्यांकन प्रश्न में हम लिखेंगे संघ ने हमारे समाज को कैसे प्रभावित किया है, अपने अपने विचार दें। जब आप उदाहरण बच्चों से पूछते हैं या उनसे उनके विचार जानते हैं तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपके टीचिंग पे, क्योंकि बच्चे की जो क्रिएटिविटी लेवल होती है उस टाइम पे वो बहुत शार्प होती है। बच्चा सोचता है, अपने विचारों को सामने किस तरीके से प्रकट करता है। लाइक हमारे मन में बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे हौच पौच होती है, उन सभी चीज़ों को एक व्यवस्थित रूप में किस तरीके से क्लास के सामने प्रेजेंट करना चाहिए, बच्चों की ये स्किल्स सुधरती हैं। इसके अलावा क्लास में अपने विचार रखना, यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं कर पाता। आप और मैं जब हम स्कूल में होंगे, हम भी कहीं ना कहीं हिचकिचाते थे सबके सामने बोलने से। तो यदि बच्चे को आप प्रमोट करते हैं कि अपने विचार आप क्लास के सामने रखें, तो वो फिर समाज में खुल के अपनी बातों को रखने में सक्षम हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो प्रस्तुतिकरण का टेबल है उसको हम क्लोज कर देंगे और अपने लेसन प्लान के लास्ट एंड फाइनल पार्ट पे जाएंगे, जहाँ पर हम पुनरावृत्ति लिखते हैं। पुनरावृत्ति यानी कि रिकैप्चुलेशन, जिसके माध्यम से आपने पूरे 30-35 मिनट की जो आपकी क्लास है उसमें आपने क्या पढ़ाया, आप उसको एक बार रिकॉल करेंगे। तो पहला प्रश्न है, संघ से आप क्या समझते हैं। प्रश्न दो, संघ के नियम व व्यवस्था के बारे में बताएं। इसके बाद हम लिखते हैं अधिगम विस्तार यानी कि गृह कार्य यानी कि होमवर्क। होमवर्क बहुत ही बर्डन जैसा लगता है, राइट? तो इसीलिए हम यहाँ पे गृह कार्य या होमवर्क ना लिख के थोड़ा सा बच्चों को मिसगाइड करते हुए उसको एक दूसरा नाम हमने रख दिया है, अधिगम विस्तार। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से लाइक आई डोंट लाइक गोभी की सब्जी, सो माय मदर यूज टू मेक गोभी का पराठा एंड आई लव टू ईट दैट। तो इसी तरीके से यहाँ पे होमवर्क ना लिखते हुए हम अधिगम विस्तार लिख देते हैं। सो संघ का हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। अपने घर आने वाले दैनिक समाचार पत्र के आधार पे अपनी राय प्रस्तुत करें। अब यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं जो हमने एक ही साथ कंबाइन कर दिया। एक तो हम समाज पे क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में वो सोचेंगे, दूसरा दैनिक जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, उसके आधार पे आपको अपनी राय प्रस्तुत करनी है। तो इससे क्या है, बच्चे डेली न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो बच्चों का जो शब्द कोश है, वो कैब है, वो इंक्रीज होगा, प्लस उनकी जो रीडिंग स्किल है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगा। तो देखिए एक ही होमवर्क से आप बच्चों की कितने सारे स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आज का लेसन प्लान आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको पसंद आया होगा। सो मेक श्योर कि आप कमेंट करके अपना फीडबैक दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यस गाइस, चैनल तो सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया है तो अभी भी सब्सक्राइब आप कर सकते हैं।
प्लस उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे भी हिट करें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. सो स्टे ट्यून फॉर अदर फर्दर इम्पॉर्टेंट वीडियोज. थैंक यू गाइज.